फ्राइडे है ना, चिकन मांस, आज मांस खाबो हॉस्टल में। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। एक्चुअली अभी मैं हूँ हॉस्टल में, ब्रेकफास्ट तो हो चुका है। ब्रेकफास्ट में आज खिलाया गया हमें 3 ब्रेड और चाय और जेम्स था, तो इससे अभी हमको 1 बजे तक टिकना है। टिक पाएंगे कि नहीं देखते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है हॉस्टल लाइफ में। क्यों अभिषेक, तुमको कैसा लग रहा है, टिकेगा तुम? आज हम तो 3 महीना रह लेगा, लेकिन आज का जो खाना था ना, मेरा तो 1% भी पेट नहीं भरा है। वो ब्रेड तो क्या है, वो ब्रेड तो हम ऐसे ही 10-1 पैकेट खा लेते हैं। तो समझ सकते हैं आप लोग कितना दुखी वाला जिंदगी जी रहे हैं हम लोग हॉस्टल बैठ के। पता नहीं, देखते कभी कभी कुछ कुछ स्ट्रगल करना ही पड़ता है लाइफ में, तो कुछ नहीं, ये छोटा सा एक स्ट्रगल है। तो बने रहिए ब्लॉग में, दिखाते हैं मजे। हमारा क्लास खत्म हो चुका है और अभी 5 बज गया, तो आज आधा घंटा पहले ही हमें छोड़ दिया गया। तो हम लोग बस वॉक करने के लिए कैंप से, हॉस्टल से बाहर निकला हुआ है और ये रहा कुछ नज़ारे, आप लोग देख सकते हैं। एक्चुअली यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी है इतना। बेसिकली शाम को घूमने के लिए मज़ा लगता है, क्योंकि हॉस्टल के अंदर दिन भर बैठा रहना, क्लास करना, बदन पूरा एकदम टाइट हो गया, एकदम जाम लग गया है। वो रोइंग में था तो एकदम इधर उधर भटकते रहते थे, काम वाम कुछ करते रहते थे। बट यहाँ आके कुछ काम नहीं है, बस हॉस्टल में खाना है, क्लास करना है। एक्चुअली क्लास जो होता है मेरा 10 बजे से लेकर 12:30 तक होता है। उसके बाद 1 आवर जैसा फ्री मिलता है, तो हमें खाना है, नहाना है, जो करना है कर लो फटाफट। सो फिर 2:30 से क्लास स्टार्ट हो जाती है, 5:30 तक होता है क्लास जो। और बस अभी फ्री मिला है तो आगे थोड़ा टहलते हुए इधर बाहर की ओर आएंगे रूम पे। उसके बाद आप लोगों को रूम का और थोड़ा क्या क्या होने वाला है आगे दिखाते हैं। वक्त तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वॉक करते करते, हमारे हॉस्टल के जस्ट बगल तो वहाँ पे सोमनाथ मंदिर है, तो वहाँ पे चलते हैं घूमने के लिए, थोड़ा नज़ारा देखेंगे। रास्ता क्रॉस कर दिया है बहुत देर रुकने के बाद, तो अभी पहुँचने वाले हैं कुछ इस जगह पे। ये वाला नज़ारा आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं यहाँ पे। गाइस प्लीज इसके चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, बेचारा बहुत मेहनत करता है आप लोगों के लिए। ऑब्वियसली रोज अपना बेस्ट देने का कोशिश करता है आप लोगों को। रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, और आप लोगों को ऐसे ही बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉग देखने को मिलेगा। गाइस बहुत सारा सुंदर सुंदर फूल है, बहुत ही ज्यादा, तो बहुत ज्यादा अंधेरा है, लाइट साइड ऑफ है। और यहाँ पे है मंदिर, देख सकते हैं वो ढोल बजाने लग गया है। यहाँ पे हमारे गणपति पप्पा, सही गणपति पप्पा का नज़ारा कुछ इस तरह से है, वो देख सकते हैं यहाँ पे है। बहुत अच्छा सा डेकोरेट किया हुआ है मंदिर, बहुत बड़ा है। और यहाँ पे जय गणपति बाप्पा, नज़ारा तो देखा है, इतना सुंदर सुंदर है। एक्चुअली मंदिर टेम्पल में आने से एक अलग सा पीच मिलता है, बहुत ही ज़्यादा शांत लगता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है, ये एंटर करने के बाद सीढ़ियों के सामने, तो अभी हम दिखाने वाले हैं एंटर यहाँ से करते हैं, यहाँ से एंटर करके बस उसके बाद जाना है मंदिर, ऊपर जाने के लिए रास्ता चलते हैं। ये है सोमनाथ मंदिर जो कि गुवाहाटी में है, और अंदर में बहुत सारा नज़ारा था आप लोगों को अंदर का हम दिखा दिए। ये बाहर का नज़ारा है कुछ इस तरह से, बहुत ही ज़रा बड़ा है। इसका जो गार्डन है आप लोग देख सकते हैं, गार्डन में फ्लावर्स जो इतना मस्त है, आप लोगों का सारा गार्डन फ्लावर ही फ्लावर लगाया हुआ है, बहुत ही तरह तरह का फ्लावर है यहाँ पे। और सबसे बेस्ट फ्लावर तो मुझे देख सकते हो, ये सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। देखने के लिए आया था, पूजा वूजा करने तो नहीं आया था, तो निकलते हैं यहाँ से रूम की ओर, क्योंकि हमें पहुँचना है फिर से हॉस्टल। और यहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा लगता है, पता नहीं गाड़ी इतना सारा चलता है यहाँ पे कि रास्ता क्रॉस करने के लिए भी हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि अरुणाचल में इतना ट्रैफिक था ही नहीं कभी, रास्ता इतना भीड़ भाड़ में हमने क्रॉस किया ही नहीं। बहुत ज़्यादा डर लगता है, यहाँ का गाड़ी भी आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं, इतना स्पीड में जाता है ना कि रास्ता क्रॉस करने के लिए सोचना पड़ता है, भाग के जाना पड़ता है। तो ये देखो, ये तीनों तो पार हो गया, मेरा पार ही है। गाइस घूम के आ गए हैं और अपने हॉस्टल पे हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चल रहा है कुछ धमाधार कैरम बोर्ड, तो कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, तो मेरा टर्न तो हो चुका है, इसलिए अभी बस बहुत भूख लग रहा है, बहुत तेज ना, कब हॉस्टल का खाना मिलेगा इसी का इंतजार पे है अभी बस। है आज तो वैसे भी चिकन का डे, चिकन खिलाने वाला है, तो देखते हैं, फर्स्ट टाइम चिकन मिलने वाला है, तो देखते हैं चिकन में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। मिलते हैं सीधा डिनर के टाइम। वार्डन का मैसेज तो आ चुका है, अब चिकन खाने जाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं चिकन। चिकन है, चिकन क्या है, फ्राइडे है ना, चिकन मांस, आज मांस खाबो हॉस्टल में।
इतना ज्यादा खाने का जोश में कि थाली रूम पे ही छोड़ दिया, तो मैंने थाली छोड़ दिया था, तो थाली ले लिया फिर से। तो चलिए मिलते हैं सीधा मैच में। तो देख सकते हैं यहाँ पे लाइन लगा हुआ है फ्रेश चिकन के लिए एकदम। साइन कर, तुम साइन कर। आज खाना बहुत करके। तो गाइस देख सकते हैं ये आज का डिनर है और यहाँ पे चिकन और आलू कुछ मिलाया हुआ है, तो ये अभिषेक एकदम लग गया है एकदम खाने में। बस अब मेरा बारी है, तो अब हमसे रहा नहीं जाता है, तो मैं खा ही देता हूँ। गाइस फाइनली डिनर तो हो चुका है, आप लोग देखा है डिनर किस तरह था, लेकिन टेस्टी था। बस आलू थोड़ा कच्चा कच्चा था, फिर भी हॉस्टल है तो मैनेज तो करना पड़ता है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, भैया कैसा बजाते हैं, एकदम मस्त शानदार लगा मुझे तो। क्यों गाइस कैसा लगा आप लोगों को? बहुत सही। तो बस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में। तो टाटा बाय बाय।